दोस्तों साल 2015 में आई फिल्म बजरंगी भाईजान आपको तो जरूर याद होगी, और याद हो भी क्यों ना, इस फिल्म के अंदर हर एक तरह का एंटरटेनमेंट जो देखने को मिला था। फिल्म के अंदर ड्रामा, एक्शन, मेलोड्रामा और इमोशनल सीन्स कूट कूट कर भरे थे, और वहीं एक्टिंग में भी सभी का खूब दम दिखा था। सलमान खान की एक्टिंग से भी हर कोई इम्प्रेस हुआ था। सलमान खान की बजरंगी भाईजान साल 2015 की एक ऐसी फिल्म बनती हुई सामने आई थी जिसने काफी सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ा था, और वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी, और फिल्म बहुत ही ज्यादा शानदार प्रदर्शन करते हुए सामने आई थी। फिल्म के अंदर जहां एक तरह का एंटरटेनमेंट था तो वहीं क्यूटनेस भरी हुई थी, और ये क्यूटनेस थी मुन्नी, जिसे पाकिस्तान छोड़ने गए थे सलमान खान, और सलमान खान और मुन्नी को भी बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा था। सलमान खान यानी दोस्तों भाईजान के नाम से मशहूर, बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बना चुके सलमान खान आज दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास पहचान बना चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सलमान का ये नाम किसने और क्यों रखा है? जी हाँ, उनके फिल्म बजरंगी भाईजान से ही उन्हें भाईजान के नाम से बुलाया जाने लगा, और इस फिल्म में मुन्नी की मासूमियत ने तो जैसे लाखों करोड़ों दिलों को छू लिया था। जब हर्षाली ने ये फिल्म की थी तो उनकी उम्र थी सिर्फ 7 साल। इससे पहले बहुत कम ऐसा देखा गया है कि कोई चाइल्ड आर्टिस्ट अपनी पहली ही मूवी से सबके दिल पे एक अलग छाप छोड़ दे, लेकिन इस फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट हर्षाली के रोल और उनकी एक्टिंग ने सभी को उनकी क्यूटनेस का दीवाना बना दिया था। और अब सभी के दिमाग में एक ही सवाल उठता है कि आखिर 7 साल की हर्षाली अब कैसी नजर आती होंगी। और दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मुन्नी अब कैसी दिखती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों आपको बता दें कि 11 साल के हर्षाली के लुक में इन 4 सालों में काफी बदलाव आया है। हर्षाली अब काफी स्टाइलिश और फैशनेबल दिखाई देती हैं। हर्षाली को पहली फिल्म से ही इंडस्ट्री में एक अलग पहचान मिल गई। हालांकि मुन्नी के रोल के लिए उनका चुनाव 5000 बच्चों के बीच हुआ था, लेकिन इतनी बड़ी सफलता मिलने के बाद फिल्म प्रोजेक्ट्स में बिजी हो जाने की जगह उन्होंने अपनी पढ़ाई पे पूरी तरह फोकस किया। उनके पेरेंट्स का कहना है कि एक्टिंग के लिए तो अभी काफी समय है, लेकिन पढ़ाई करना अभी ज्यादा जरूरी है। हर्षाली अभी काफी छोटी हैं, तो जाहिर है कि वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट खुद हैंडल नहीं करती हैं। हर्षाली का सोशल मीडिया अकाउंट हर्षाली की माँ हैंडल करती हैं। हर्षाली ने कृति शैनन के साथ एक एड से करियर शुरू किया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर्षाली के पसंदीदा एक्टर कौन है। जी हाँ, वो सलमान खान ही हैं, जबकि उनकी फेवरेट एक्ट्रेस हैं कटरीना कैफ और करीना कपूर। तो दोस्तों अगर आपने भी हर्षाली मल्होत्रा की फिल्म भाईजान देखी है तो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको और भी इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने को मिलती रहें सबसे पहले। धन्यवाद।